क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित चंदन शांडिल एक बार पुनः आप सभी दर्शकों का कुंडली दर्शन के इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं कि 2022 में क्या कहती है आपकी राशि, अर्थात कि आपका राशि फल क्या कुछ होगा आपके साथ, ग्रह और सितारों का क्या है कुछ कहना। आने वाला साल 2022 आपके लिए पंचांग के दृष्टिकोण से क्या कुछ शुभ या अशुभ प्रभाव दे सकते हैं। बारी बारी से अलग अलग वीडियो के माध्यम से आप इस चैनल पर हर राशि के राशिफल 2022 जान पाएंगे, लेकिन आज बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए 2022 का राशिफल क्या कुछ कहता है, वो भी हर एक महीने के हिसाब से, जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपके जीवन में क्या कुछ होगा, इस कार्यक्रम में इसी बारे में बात करेंगे। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और सभी दर्शक अपने व्हाट्सएप ग्रुप या अपने अन्य सोशल मीडिया में इस वीडियो को शेयर करें। इसके साथ ही चैनल को आप यदि सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपके पास डिस्प्ले में नंबर दिख जाएगा, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से, कंसल्टेंसी के लिए व्हाट्सएप नंबर भी आपको वही सेम दिख रहा है। तो चलिए बात करते हैं शुरुआत मेष राशि से। मेष राशि वाले के लिए जनवरी के महीने की यदि बात करें तो पूर्वार्ध में राशि स्वामी मंगल आपके अष्टम भाव में केतु के साथ युक्त होने से आपके जो निकट आपके आसपास के भाई बंधु या मित्र होंगे उसके साथ कुछ तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, आपके मन में कुछ वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हालांकि धन लाभ होने के चांसेस दिख रहे हैं, चाहे वो धन लाभ हो सकता है कम हो, अल्प मात्रा में हो, लेकिन धन लाभ होगा। आपके स्वभाव में क्रोध उत्पन्न हो सकती है, इसलिए अपने क्रोध पर आपको संयमित रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, लेकिन जनवरी 16 के बाद मंगल भाग्य स्थान में होने से आपके जीवन में कुछ भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य स्थान में मंगल जब गोचर करेंगे तो संघर्ष बेशक आपको करना पड़ जाए, लेकिन संघर्ष के बाद लाभ की प्राप्ति 16 जनवरी के बाद से होने के संकेत दिख रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको आय एवं लाभ के अनेक अवसर प्राप्त होने के संकेत दिख रहे हैं। भाग्य के सहारे बहुत सारे अच्छे काम बन सकते हैं, मित्र बंधु बांधवों का सपोर्ट मिल सकता है, कोई छोटी मोटी यात्रा कर सकते हैं, प्रेम प्रसंग के ख्याल से भी समय अच्छा रहेगा और इसके साथ ही शिक्षा में भी आपको सफलता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आइए बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए फरवरी का महीना 2022 में किस प्रकार से रहने वाला है। फरवरी में अगर देखें तो कार्य व्यापार के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ एवं उन्नति के अच्छे अवसर आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके बढ़ते हुए पुरुषार्थ से आप अपने किसी भी कार्य को कर सकते हैं, बशर्ते पुरुषार्थ के साथ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल, अर्थात कि आपको अपने आत्मबल को भी विकसित करने की आवश्यकता है, तो आप अपने कार्यों में सफल हो जाएंगे। इसके साथ ही यदि देखें तो आवास संबंधी, अर्थात कि मकान का काम कर रहे हैं या प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहे हैं या मकान संबंधी कोई समस्या आपको उत्पन्न हो सकती है, खास करके भूमि से संबंधित कोई काम यदि कर रहे हैं तो बहुत सावधानी से आपको करने की आवश्यकता दिख रही है। यहां तक कि माता के स्वास्थ्य में भी थोड़ी बहुत समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो माता के स्वास्थ्य में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। हालांकि फरवरी के महीने में
यात्रा पर आपका धन का खर्च होने के संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं। अब आइए बात करते हैं मार्च में मेष राशि वालों के लिए क्या कुछ कहता है आपका राशिफल। मार्च के महीने में आरंभ की यदि बात करें तो आपके राशि स्वामी मंगल उच्च राशि अर्थात की मकर राशि में कर्म भाव में स्थित हो जाएंगे। ऐसे में रोचक महापुरुष योग जो एक बहुत अच्छा योग है, पंच महापुरुष योग में से वो योग भी निर्माण होगा। कार्य क्षेत्र में सफलता के कदम आप छू पाएंगे। कैरियर में आपको एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य में सुधार होने के संकेत मार्च के महीने में दिख रहे हैं। आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होने के संकेत आपको दिख रहे हैं। तो वहीं आपके इनकम में भी वृद्धि जरूर होगा और अनेक प्रकार के साधनों से आपको लाभ होने के अवसर उत्पन्न होते रहेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि अष्टम भाव में केतु का प्रभाव आपके शरीर में कुछ कष्ट उत्पन्न कर सकता है, खास करके यदि आप ब्लड प्रेशर से संबंधित बीमार हैं, ब्लड प्रेशर की बीमारी है या रक्त संबंधी कोई अन्य बीमारी है तो आपको कुछ विशेष सावधानियां इस समय में रखना चाहिए। अब आइए बात करते हैं अप्रैल के महीने। तारीख 6 अप्रैल 2022 तक मंगल मकर राशि में ही स्थित होंगे और उनकी चतुर्थ दृष्टि आपकी राशि पर जाती रहेगी, तो लगभग सारे सुपरिणाम आपको 6 अप्रैल 2022 तक भी मिलते रहेंगे। यहां तक कि परिवर्तन अगर आप कुछ करना चाहते हैं, स्थान परिवर्तन या कोई प्रमोशन का आप इंतजार कर रहे हैं, आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होने के संकेत दिख रहे हैं। इस समय पारिवारिक जीवन का वातावरण सुखद बना रहेगा और विशिष्ट योजनाओं को आप क्रियान्वित कर सकते हैं। अपने अनेक प्रकार के योजनाओं को आप सही दिशा में गति दे सकते हैं। अप्रैल का महीना उसके बाद भी लगभग आपके लिए बेहतर ही परिणाम देते हुए दिख रहे हैं। पर्सनल लाइफ में आपको थोड़ी सी संयम बरतने की आवश्यकता है, धैर्य बनाए रखना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जित, किसी भी काम में जल्दबाजी या अति नहीं करनी चाहिए। अब आइए बात करते हैं मई के महीने में मेष राशि वालों के लिए। अगर देखें तो मई के महीने के आरंभ में शनि की नीच दृष्टि आपके राशि में होने से आपका मन थोड़ा सा विक्षुब्ध होगा, उदास हो सकता है। आपके मन में अनेक प्रकार के शंका उत्पन्न हो सकते हैं, क्या करूं क्या ना करूं, कंफ्यूजन की स्थिति हो सकती है। और मंगल भी कुंभ राशि में स्थित हो जाएंगे तो ऐसे में आपकी खर्च में थोड़ी सी अधिकता देखने को मिल सकती है, आपका एक्सपेंस बढ़ सकता है। यहां तक कि संतान पक्ष की ओर से भी आपको कुछ चिंता दिखाई दे सकती है। एजुकेशन से संबंधित विद्यार्थियों के लिए, परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए इस समय में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तारीख 17 से मंगल आपके राशि से द्वादश भाव में स्थित होगा, ऐसे में पारिवारिक और आर्थिक हालात कुछ अनिश्चित परिणाम भी दे सकते हैं। इस महीने के अंत में कुछ यात्रा का प्रोग्राम, कोई टूर का प्रोग्राम आप कर सकते हैं। जून की बात करते हैं, आप जून के महीने में अगर आप कोई सर्विस या कोई बिजनेस
करते हैं तो संघर्षपूर्ण स्थितियों का आपको सामना करना पड़ सकता है, स्ट्रगल आपको करना पड़ सकता है। कोई भी काम आप करेंगे तो उन कार्यों में कुछ विलंब हो सकता है, कुछ देरी का आपको दिख सकता है, और कार्यों में जब देरी होगा तो हो सकता है इसका प्रभाव आपके स्वभाव को भी प्रभावित कर दे और आप क्रोधित हो सकते हैं, आपकी उत्तेजना बढ़ सकती है, मानसिक तनाव एवं घरेलू उलझने भी बढ़ सकती है। हालांकि ऐसे में कोई बिजनेस में कुछ नए उद्योग धंधे लगाने की या बनाने की योजना बना सकते हैं। विदेश यात्रा भी होने के संकेत दिख रहे हैं और कुछ विवाद भी उत्पन्न हो सकता है। इस समय जरूरी है कि श्री सूक्त का यदि आप पाठ करते हैं तो मंगल के दुष्परिणाम से आपको कुछ बचाव देखने को मिल सकता है। अब आइए बात करते हैं जुलाई के महीने में 2022 में कैसा रहेगा मेष राशि वालों के लिए राशिफल। जुलाई के महीने की यदि बात करें तो इस मास राशि स्वामी मंगल आपकी राशि में ही स्वराशि गत स्थित होगा, जिसका सीधा परिणाम यह देखने को मिलेगा कि आपके पुरुषार्थ, आपके पराक्रम, आपके आत्मबल, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल की वृद्धि होती हुई दिखाई दे। आप किसी भी कार्य को बहुत सही तरीके से अंजाम दे सकते हैं, यहां तक कि आपके कार्यों का परिणाम बहुत जल्द सुखद परिणाम लाभ के रूप में आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं तारीख 12 से शनि की नीच दृष्टि भी आपके राशि से हट जाएगी, इससे आपका मानसिक तनाव बिल्कुल भी हट जाएगा और आपका घरेलू वातावरण भी सुखद रहेगा, सौहार्दपूर्ण बना रहेगा। वहीं थोड़ा सा यदि चिंता की बात है तो राहु का इस राशि में होने से कुछ रुकावटों का सामना आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि राहु का संयोग जो बनेगा ये आपके मन में थोड़ा सा, मतलब शनि तो दृष्टि हटा दिए लेकिन राहु आपको समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। अगस्त की यदि बात करें तो अगस्त के तारीख 10 तक इस राशि में मंगल राहु का अंगारक दोष बना रहेगा, एक साथ मंगल राहु रहेंगे, इस कारण आपको अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है, अधिक अनुशासित रहना होगा, नहीं तो आपके कार्यों में आपको लाभ की प्राप्ति कम हो सकती है। जिस लाभ का आप अपेक्षा कर रहे हैं उस लाभ में आपको हो सकता है वंचित रहना पड़े, आपके स्वास्थ्य संबंधी कष्ट भी उत्पन्न हो सकती है, क्रोध में अधिकता उत्पन्न हो सकती है और कुछ आर्थिक परेशानियां हो सकती है, बेवजह के भाग दौड़ भी लगे रह सकते हैं, आकस्मिक धन का खर्च भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान देना है कि बजरंग बाण और संकट मोचन स्त्रोत का पाठ आप यदि करते हैं और शिव का पूजन करते हैं तो यह आपके लिए रामबाण उपाय रहने वाला है। अब आइए बात करते हैं कि सितंबर का महीना मेष राशि वालों के लिए किस प्रकार से रहने वाला है या क्या सावधानी हमें बरतना चाहिए। क्योंकि राहु के कारण आपके अत्यधिक भागदौड़ की स्थिति दिखाई दे रही है, परिश्रम के बावजूद आपके आय में कमी उस प्रकार से ही दिखाई दे रहे हैं, कार्य व्यवसाय में उलझने एवं रुकावटें रहेगी बनी और पारिवारिक वातावरण में भी कुछ अशांति का सामना आपको करना पड़ सकता है, दांपत्य जीवन में भी इसका असर आपको देखने को मिल सकता है, कुछ तनाव भरी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में जरूरी है कि उस उपाय को पुनः करते रहें, भगवान शिव का पूजन भी करें और बहुत सोच समझ कर शांत चित्त होकर ही कोई फैसले आपको करना चाहिए, अन्यथा मंगल के साथ राहु का ये संयोग आपको कुछ परेशानी में डाल सकता है। हालांकि अब बात करते हैं अक्टूबर के महीने में तो संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद धन लाभ आपको उत्पन्न
स्थिति कई बार होती हुई दिखाई देगी। ये अलग बात है कि जिस प्रकार से आप धन लाभ की अपेक्षा कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी कमी, लेकिन धन लाभ होगा। भागदौड़ एवं परिश्रम आपको इसके लिए अधिक करना पड़ सकता है, परंतु तारीख 16 से मंगल आपके तृतीयस तथा सूर्य को भी उच्च दृष्टि होने से संघर्ष के बावजूद धन लाभ के अवसर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही आपके कार्यों में आशाओं के अनुरूप आपको अब सफलता मिलने से कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता। आपके लिए अच्छा समय अब शुरू हो चुका है, कोई नए काम को आप शुरुआत करना चाहते हैं तो अब आप कर सकते हैं, किसी नवीन योजनाओं को आप पूर्ण रूप से लागू कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं नवंबर के महीने में, तो सूर्य बुध और शुक्र ग्रहों की दृष्टियां आपके दैनिक जीवन के कार्यों को प्रगति देता हुआ दिखाई दे रहा है। धन लाभ एवं व्यवसाय कार्य व्यापार में वृद्धि होने के संकेत आपको दिख रहे हैं। मित्र एवं संबंधियों का भी सहयोग आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपके प्रमोशन और इनकम के साधन भी बढ़ जाएंगे। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और आपके स्वभाव में एक अलग प्रकार का तेज उत्पन्न हो सकता है, लेकिन आपको अति सर्वत्र वर्जित वाली स्थिति में ना जाए तो जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में किया हुआ काम हमेशा नुकसान देता है। तो शीघ्रता से आप अपने किसी बनते हुए कार्य को, एक अच्छे मौके को गंवा ना दें, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब आइए बात करते हैं दिसंबर 2022 में मेष राशि वालों का राशिफल क्या कुछ कहता है। दिसंबर के महीने में मंगल वक्री होने से, मंगल आपका रेट्रोग्रेड हो जाएगा, वक्री होगा तो विपरीत परिणाम भी देखने को मिल सकता है। पारिवारिक एवं घरेलू उलझनों का आपको सामना हो सकता है, कुछ हद तक करना पड़े। कुछ आपके सोची हुई योजनाओं में विघ्न बाधा उत्पन्न हो जाए ऐसा, या उत्पन्न होने का सामना आपको करना पड़ जाए ऐसी स्थिति परिस्थिति आपके सामने उत्पन्न हो सकती है। आप नहीं चाह रहे हैं कहीं स्थान परिवर्तन का, कहीं ट्रांसफर पोस्टिंग का, लेकिन हो सकता है वहां हो जाए ऐसा भय भी आपके मन में उत्पन्न हो सकता है। कोई अज्ञात भय भी आपके मन में उत्पन्न हो सकता है, मन आपका अशांत हो सकता है, असंतुष्ट रह सकता है। ऐसे में करें क्या, साल आप इस साल के अंत में खास करके भगवान शिव का पूजन के साथ साथ महामृत्युंजय मंत्र का डेली कम से कम एक माला का यदि जाप करते हैं तो हर प्रकार के विघ्न बाधाओं से मिलेगी मुक्ति और आपके जीवन में धन की होगी युक्ति। तो दर्शकों, कैसा लगा आपको यह कार्यक्रम, आप अपना बहुमूल्य सुझाव कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। बारी बारी से हर राशि का राशिफल महीने के हिसाब से आपको इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। आपके मन में कोई भी सवाल है तो आपको इस चैनल पर रात में प्रतिदिन कुंडली दर्शन लाइव के नाम से एक कार्यक्रम आता है जिसमें अपना आप कोई भी सवाल फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हैं, लाइव में ही आपको हम ज्योतिष के माध्यम से जवाब देते हैं। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।